हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सर जी हालचाल बुरे हैं, तीन चार दिन से वीडियो नहीं आए हैं, तो वीडियोस आज से रेगुलरली आएंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4th, और आज आपको सिखाएंगे इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन द करेक्ट रेट लॉ एंड फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन सा मेथड? इनिशियल रेट मेथड। क्या होगा कि हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा यहां पे दिया होगा, उसको यूज करके हम करेक्ट रेट लॉ लिखेंगे और फिर वहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। अब कई लोग कह रहे हैं रेट लॉ क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये क्या बवाल है? तो वो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 देखें, YouTube पे टाइप करें केमिकल काइनेटिक्स 03 रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, साथ में लगा दें फिजिक्स वाला। तो मैंने वहां पूरा एक्सप्लेन किया है कि रेट लॉ कैसे बना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज इसी में और क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ आईआईटी के क्वेश्चंस भी लेंगे। प्रीवियस ईयर आईआईटी में सवाल इस टॉपिक से बहुत आए, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो यस, माय नेम स्टिल रिमेंस अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल से चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए हेडिंग लगाइए, इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तीन चार दिन बाद वापस मार्कर पकड़ के मुझको। और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या था, थोड़ा सा एक बार जल्दी से देख लें। मान लो कोई रिएक्शन है 2A plus B give products, 2A plus B give products, 2A plus B कुछ भी लिखा है, तो हम बोलते थे कि इस रिएक्शन का जो रेट है, जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बोलते थे? ROR। और मैंने कहा था इसके लिए हम स्मॉल R यूज करेंगे, है ना। ये होता था रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K concentration of A की पावर X, concentration of B की पावर Y। इस expression को हम बोलते हैं rate law, कि जो rate of reaction है वो A की पावर X पे depend कर रहा है और B की पावर Y पे depend कर रहा है, जहां X और Y सिर्फ experimentally निकाले जा सकते हैं। ये बात याद रखना, ये नहीं कि यहां A के ऊपर 2 लगा दिया, B के ऊपर 1 लगा दिया, ऐसा किसी ने कहा था, पर ये गलत होता है। गुल्डबर्ग एंड वेगे लॉ ने कहा था कि यहां पे जो लिखा है वो यहां पावर पे लगा दो, यहां लिखा है यहां पर, वो गलत होता है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता चलेगी, एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा कि रेट ए के किस पावर पे डिपेंड करता है और बी की किस पावर पे। यहां पे हमारा के क्या होता था? के होता था रेट कॉन्स्टेंट, ये क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ ए और वो कंसेंट्रेशन ऑफ बी। X क्या होता है? X होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, और Y क्या होता था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B, और X प्लस Y इसको हम बोलते थे N, ये क्या होता था? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आज के जितने भी सवाल रहेंगे वो इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। कई बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा, कई बार रेट लॉ लिखने को कहेगा, वगैरह वगैरह। इतनी बातें याद हैं, पक्के से शुरू किया जाए टॉपिक एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा होना चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले एक सवाल हम सिंपल ले लेते हैं। हमसे कहा कि कोई रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, हमसे कहा कि कोई रिएक्शन चल रहा है, कुछ भी लिख लो, 3A plus 2B give products, ऐसा कोई रिएक्शन इस ब्रह्मांड में हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए हमें इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ A पता है, हमें इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ B पता है, हमको इनिशियल रेट पता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। जब हमने इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए 0.1 ली पहली बार, दूसरी बार हमने 0.1 ले ली, और तीसरी बार 0.2 ले ली। बी की कंसेंट्रेशन पहली बार 0.1, 0.2, 0.1, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमें मिला
2 × 10⁻³ - 1 × 10⁻³ - 3 × 10⁻³ - 3 कंसंट्रेशन ऑफ ए हमको गिवन है मोल्स पर लीटर में, कंसंट्रेशन ऑफ बी गिवन है मोल्स पर लीटर में, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मोल्स पर लीटर सेकंड, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की ये यूनिट होती है मोल्स पर लीटर सेकंड। तो जब ए का कंसंट्रेशन 0.1, बी का कंसंट्रेशन 0.1, तब रेट ऑफ रिएक्शन ये आया। जब ए का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1, बी का 0.2, तब रेट ये आया। और जब ये कंसंट्रेशन लिया तब इनिशियल रेट ये आया। ये डेटा यूज करके आपको क्या क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट रेट लॉ। आईआईटी में सवाल आ रहे हैं यहाँ से, इसको अच्छे से कर लो, आसान है। पहले एक मेथड वो बताएंगे जो बोर्ड में इस्तेमाल करना है, फिर वो बताएंगे जिसमें कॉम्पिटिशन में देख के आंसर आ जाए, देख के खटाक से आंसर लिख देंगे हम लोग विद इन 30 सेकेंड। तो पहले बोर्ड के लिए तरीका सीखेंगे कैसे करा जाता है, ठीक है, थोड़ा बोरिंग सा तरीका है। रेट लॉ आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और मेरे लिए आप निकाल दो रेट कॉन्स्टेंट भी। ये तीन चीजें आपको डिटरमाइन करनी है। तो पहले देखो इसको बोर्ड में कैसे करना है, इसका एक रेट लॉ एज्यूम कर लेते हैं। लेट स्टार्ट करें, तैयार हैं आप, शॉर्टकट भी बताएंगे खटाक से करने का तरीका। लेट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। चलो हमें ना के पता है ना एक्स पता है ना वाई। अब ये डेटा यूज करके इसमें रखते जाओ। पहली बार रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 × 10⁻³ - 3 इज इक्वल्स टू के, ए का कंसंट्रेशन 0.1 की पावर एक्स, बी का कंसंट्रेशन भी 0.1 की पावर वाई। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरी बार वाला डेटा रखो, 1 × 10⁻³ - 3 इज इक्वल्स टू के, ए का कंसंट्रेशन 0.1 की पावर एक्स, बी का कंसंट्रेशन 0.2 की पावर वाई। तीसरा वाला डेटा, 4 × 10⁻³ - 3 इज इक्वल्स टू के, 0.2 की पावर एक्स, और ये हो गया 0.1 की पावर वाई। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, आसान सी बात, जो डेटा दिया था रख दिया, बोर्ड में ऐसे ही करेंगे। अब क्या करो, अब ऐसा कुछ कोशिश करो कि कोई एक वेरिएबल आ जाए हमारे पास, तीन वेरिएबल है के एक्स वाई, है ना, तो इन इक्वेशन का कुछ इस्तेमाल करो, कुछ मैथ्स लगाओ भाई कि सारे वेरिएबल कट जाए कोई एक बचे। तो मेरा सोचना है कि सेकंड से फर्स्ट को मैं डिवाइड कर दूं, भाई डिवाइड करने में के मर जाएगा, ये मर जाएगा, है ना, तो वाई वाला वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, जरूरी नहीं आप हर क्वेश्चन में सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, भाई थोड़ा तो मैथ्स लगाओगे ना, सोचोगे मैंने डिवाइड किया तो मुझे लगा के कट रहा है, ये कट रहा है और ये नहीं कट रहा है ना, ठीक है ना, समझ, थोड़ा दिमाग लगाओगे। सो एक काम करते हैं, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, है ना, ये वैल्यू बड़ी है ना तो डिवाइड करके अच्छा लगता है अपनी आदत ना, 2/1 ज्यादा अच्छा। तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो इसको इससे डिवाइड किया, 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल कैंसिल, इधर आया 2 इज इक्वल्स टू k से k कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0.1 की पावर y अपॉन 0.2 की पावर y, यानी देखो ये कैंसिल ये कैंसिल, ये बचेगा, यानी 1/2 की पावर y। इसका मतलब हुआ 2 is equals to 2 की पावर माइनस y। बोलो कुछ गलत बता रहा हूँ, 2 is equals to 1/2 की पावर y, यानी 2 is equals to 2 की पावर माइनस y बोल सकते हैं, यानी 2 की पावर 1 is equals to 2 की पावर माइनस y, यानी यहाँ से मिला y की वैल्यू माइनस y। चलो एक वेरिएबल खत्म हो गया, दूसरा वेरिएबल निकाला जाए, चलो क्या किया जाए, थर्ड को अगर फर्स्ट से डिवाइड कर दें, थर्ड को अगर फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो थर्ड डिवाइड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाय फर्स्ट, इसको फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो 4/2, सो दिस विल कम आउट टू बी 2, और बताओ k से k कैंसिल, 0.2 की पावर x और 0.1 की पावर x, यानी 2 की पावर x मिला, और ये टर्म कैंसिल हो गया, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 1 is equals to 2 की पावर x, x की वैल्यू मिल गई 1। लो भाई दो वेरिएबल मिल गए, तीसरा बचा, तीसरा कैसे निकालोगे, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में x और y को पुट कर रहा हूँ, पुटिंग x एंड y इन फर्स्ट, अब हम k निकालना चाहते हैं,
तो 2 into 10 to the power minus 3 is equals to k, 0.1 की पावर x कितना है 1 into 0.1 की पावर y कितना है minus 1. तो ये plus 1 minus 1 add हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है तो पावर add हो जाएगी. 1 और minus 1 मिला के हो गया 0. किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1, यानी इसका मतलब 2 into 10 to the power minus 3 is equals to k. लो भाई रेट कांस्टेंट भी मिल गया, डन. रेट लॉ मिल गया, रेट कांस्टेंट मिल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं. अब आप लिख सकते हो r is equals to k, a की पावर x, b की पावर y. तो फाइनली यू कैन राइट, छाप ले पहले फिर बताएं. क्लियर है ये मेथड? समझ में आ गया? अभी शॉर्टकट बताएंगे, मेथड यही है, बोर्ड में आएगा तो ऐसे ही करेंगे. ठीक है, ठीक है. इक्वेशन हटा लूं मैं, 1 2 3 4 कॉपी कर लो, पॉज कर लो. कर लिया, चूहा खा लो, खा लिया. हाँ चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, इसको मिटा दिया. सो फाइनली आई कैन राइट r इज इक्वल्स टू, k की वैल्यू बोलो, 2 into 10 to the power minus 3, a की पावर x, x की वैल्यू 1, b की पावर y, y की वैल्यू minus 1. ये हो गया रेट लॉ, पहला वाला काम खत्म. दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बताया, x और y को जोड़ दो, है ना. यहाँ एक और कंसेंट्रेशन टर्म होता है, उसकी भी जितनी भी पावर है सबको जोड़ दो. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 - 1 0, दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, 0 - 1 + 1 + 1/2 - 1/2 - 0.7 + 0.7, कुछ हो सकता है. लास्ट चीज इज रेट कॉन्स्टेंट. सो रेट कॉन्स्टेंट k इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 3. अब इसकी यूनिट लिखना है तो एक तो चाहो तो यहीं से निकाल सकते हो इसकी यूनिट, इसकी यूनिट रख के. या k का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो यूनिट का फॉर्मूला होता था मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एक तरीका तो है यहां कंसंट्रेशन टर्म, यहां कंसंट्रेशन टर्म, है ना, फिर देख लो कि क्या आ रही है, क्या यूनिट है. दूसरा तरीका है मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, n की वैल्यू कितनी है 0, तो n की जगह 0 रख दो, हो गया मोल्स पर लीटर की पावर 1 सेकंड इनवर्स. हो गया, मिल गया, छाप लिया. शॉर्टकट सीखे, तरीका समझ में आ गया बोर्ड में करने का. पहले रेट लॉ बनाओ, ऐसे ही अज्यूम करो, फिर वैल्यूज रखो, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ करो, है ना. डिवाइड ही करोगे, थोड़ा देख दाख के करना कि कट जाए, उसके बाद इक्वेशंस बनाओ, सॉल्व करो, मिटा रहे. अच्छा, अब देखो इसको करने का एक शॉर्टकट है ना, अभी जेई में आएगा तो यहां पे ऑलरेडी 3 मिनट वेस्ट हो गया, क्या पता इसके बाद क्वेश्चन में और भी दिमाग लगाना हो, है ना. अब देखो इसको करने का एक शॉर्टकट क्या होगा, सब कुछ आ जाएगा उससे भी. शॉर्टकट क्या होगा कि तुम एक एक पे डिपेंडेंसी देखो रेट की, समझो. जब हम यहां से यहां आए तो ए की कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, दिख रही है चीज, ए की कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है और बी की कंसेंट्रेशन यहां से यहां में डबल हो रही है. यानी इस स्टेप में, फर्स्ट से सेकेंड स्टेप में जो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है वो बी की वजह से हो रहा है. नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बी की वजह से हो रहा है, ए का कोई रोल नहीं है कि कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट, ए जैसा था वैसा ही है. मतलब रेट में जो भी फर्क आया वो बी लेकर आया. रेट जरा देखो क्या हो रहा है यहां से यहां में, मेरे ख्याल से रेट हाफ हो गया है भाई, 2 से 1 हो गया हाफ. यानी बी को डबल करने पे रेट हाफ होता है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज, यहां से रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1/b. भाई इसको डबल करने पे हाफ हो रहा है, मतलब 1/b, यानी आपको मिल गया रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू b की पावर माइनस 1. एक बार में खत्म. अब देखो, अब किसको कंपेयर किया जाए, अब ऐसा कुछ सोचा जाए कि b कांस्टेंट हो जाए और a चेंज हो रहा हो, पहले a को कांस्टेंट किया. अब जरा फर्स्ट और थर्ड को देखो यहां से यहां, तो फर्स्ट से सीधा अगर थर्ड पे आए तो b तो कांस्टेंट रहा और a डबल हो गया. यानी यहां से यहां जो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ a की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहां से यहां आते वक्त b तो कांस्टेंट है. रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या हुआ, यहां से यहां आते वक्त डबल हुआ. k
किसकी वजह से डबल हुआ? क्योंकि ए का कंसंट्रेशन चेंज हुआ, बी तो यहां पे भी वही है, यहां पे भी। ए बदला जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बदला, ए को किया डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो दूसरा स्टेप आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 5, खत्म। अब आप लिख दोगे आर इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 बी की पावर माइनस 1। थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि कहां पे कौन सा कांस्टेंट है, कोई एक कांस्टेंट रहेगा जैसे यहां ये कांस्टेंट, और इसको डबल करने पे रेट हाफ हुआ, हम समझ गए जो भी इफेक्ट आया इससे। दूसरी बार ऐसा डेटा जुड़ा जिसमें ये कांस्टेंट था यहां से यहां में, और ये डबल होने पे वो डबल, डबल ट्रिपल हाफ ये सब तो देखना पड़ेगा, जो भी थोड़ी ना हमेशा डबल ही हो, हाफ हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/5 कुछ हो सकता है, बन गया रेट लॉ। अब क्या निकालना है आपको, k का वैल्यू क्या निकालना है, पहले वाले स्टेप से सारी वैल्यूज पुट कर दो, पहले वाले जो डेटा है इसको पुट कर दो, r की जगह 2 * 10 की पावर -3, k की जगह k, a की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर 1, b कंसंट्रेशन 0.1 की पावर माइनस, मान लो हो गया 1 - 1 0, k की वैल्यू आ गई, अरे 1 - 1 0, 0.1 की पावर 0 यानी 1, यहां से k is equals to 2 * 10 की पावर -3, लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर जो समझ रहे हो। तो करने का शॉर्टेस्ट तरीका यही है कि दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। तैयार, एक सवाल दें, दोनों तरह से करना है, दोनों तरह से मिटा रहे, अच्छा एक और कर लो दोनों तरह से, उसके बाद सिर्फ शॉर्टकट से, बोर्ड के लिए सीख लो, बोर्ड में आएगा तो यही मेथड लगाना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो मान लो कोई रिएक्शन दिया है, सपोज कर लो कोई रिएक्शन दिया है, सपोज कर लो 2a प्लस 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 b गिव प्रोडक्ट्स, मान लो ऐसा कोई रिएक्शन है, और इसके लिए हमको डेटा दे रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a एंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा कई बार यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन की जगह कुछ और चीज देगा, अभी आगे सिखाएंगे, ठीक है। ये हमको दे रहा है वही किसमें, मोल्स पर लीटर में, ये भी हमको दे रहा है मोल्स पर लीटर में, और ये दे रहा है मोल्स पर लीटर सेकंड में। तो मान लो हमें कंसंट्रेशन ए की दी 0.2, 0.2, 0.4, बी की दी 0.1, 0.2, 0.2, रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा है 1 × 10⁻³, 4 × 10⁻³, 0.25 × 10⁻³। सवाल सेम है, फाइंड रेट लॉ, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड रेट कांस्टेंट, फाइंड रेट लॉ, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड रेट कांस्टेंट। पॉज करके सॉल्व करो, एक बार स्टार्ट करें, मैं करूं जल्दी जल्दी, आप पॉज करके सॉल्व करो। चलो सबसे पहला स्टेप, लेट r इज इक्वल्स टू k a की पावर x b की पावर y, और c भी आ सकता है एक वेरिएबल, c की पावर z ले लेना, ठीक है। अब r की वैल्यू पहले वाले से 1 × 10⁻³ is equals to k, a की कंसंट्रेशन 0.2 की पावर x, 0.1 की पावर y, ठीक है। बोर्ड में ऐसे ही करना है, वहां ये शॉर्टकट वाला मेथड मत लगाना। दूसरी बार वैल्यूज 4 × 10⁻³ is equals to k, 0.2 की पावर x, 0.2 की पावर y। तीसरी बार 0.25 × 10⁻³ is equals to k, 0.4 की पावर x, 0.2 की पावर y, ठीक है। अब दिमाग चलाओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, बताओ क्या किया जाए, बताओ क्या कह रहे हो। इससे इसको डिवाइड कर दें क्या, ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, x भी चला गया, k भी चला गया, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, इसको इससे डिवाइड किया, मिला 4 इज इक्वल्स टू k, k मर गया, ये मर गया, 2/1 यानी 2 की पावर y, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर y है, यानी y की वैल्यू मिल गई 2। चलो एक वेरिएबल मिल गया हमको, अब क्या किया जाए, थर्ड से सेकंड को डिवाइड कर दे, काम बन रहा है, y वाला कहानी खेल खत्म हो जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी। सो थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, ठीक है, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, सो 0.25 / 4,
ये कर लें, सेकेंड डिवाइड बाई थर्ड, जैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बस सुंदर लगेगा। सेकेंड डिवाइड बाई थर्ड, तो 10 पावर माइनस 3 कैंसिल, 4 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड करें, ये कैंसिल, 2 बाई 4 की पावर x और 0.2 की पावर y, y कैंसिल, 4 अपॉन 0.25, 0.25 मतलब 1 बाई 4, तो ऊपर गया तो ये हो जाएगा 16, 16 इज इक्वल टू 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2, यानी 2 की पावर माइनस x, बोलो सही, ये 1 बाई 2 की पावर x है, 2 की पावर माइनस x, 4 अपॉन 0.25 को 1 बाई 4 लिख सकते हैं, 4 ऊपर गया 16, अच्छा, ये हो गया 2 की पावर 4, ये हो गया 2 की पावर माइनस x, यहां से आपको मिल गई x की वैल्यू माइनस, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, बोला सही है कि कुछ गलत है, सही है सर, सही है पूरा, यहां से इसको डिवाइड किया 2 by 4 यानी 1 by 2 की पावर 2 की पावर माइनस x equals to minus 4। अब आप रेट लॉ लिख सकते हो, छाप ले इसको, हो गया। k की वैल्यू निकालनी है, पहले वाली इक्वेशन में सारी वैल्यूज डाल दो, आपको k का वैल्यू मिल जाएगा, है ना? पहले वाली इक्वेशन में डाल दो 1 into 10 to the power minus 3 is equals to k 0.2 की पावर x यानी minus 4 0.1 की पावर y। यहाँ पर रखी जाए क्या वैल्यू, दोनों का बेस सेम है तो पावर में थोड़ा काम बन जाएगा, तो k के लिए यूज कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन, पुटिंग x एंड y इन सेकंड, सेकंड में क्या है ना बेस सेम है दोनों का, तो पावर ऐड हो जाएगी, थोड़ा काम आसान होगा, सो 4 into 10 to the power minus 3 is equals to k 0.2 की पावर minus 4 0.2 की पावर y, y की वैल्यू कितनी है 2, है ना, थोड़ा काम आसान हो गया, तो कितना हो गया माइनस 2 हो गई 0.2 की पावर, सो यहां से आपको मिलेगा k is equals to 4 into 10 to the power minus 3 और इधर बचेगा कितना 0.2 की पावर minus 2 यानी इधर जाके आप लिख सकते हो 0.2 की पावर 2, वैसे इधर रहता 0.2 की पावर minus 2 0.2 की पावर minus 2 हो जाके 0.2 यानी ये हो जाएगा आपका 4 into 10 to the power minus 3 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 10 का स्क्वायर 100 तो 4 4 इज 16 k की वैल्यू 16 into 10 to the power minus 5 16 into 10 to the power minus 5 यूनिट अभी पता चल जाएगी, यहां तक क्लियर है, क्यों सेकंड इक्वेशन यहां है इसकी बेस सेम था तो पावर आसान थोड़ा सा है क्वेश्चन में इजी यार, ठीक 16 into 10 की पावर minus 5 या इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो 1.6 into 10 to the power minus 4 नोट कर लो, कर लिया, मिटा रहे ये चीज, अच्छा, so the correct rate law is r is equals to k की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 4 concentration of a की power minus 4 concentration of b की power 2, कोई आपसे पूछे order of reaction, order of reaction is x plus y minus 4 plus 2 minus 2, negative order reaction, common होते हैं, बिल्कुल common होते हैं negative order reaction, ठीक है, अच्छा कोई आपसे पूछे rate constant की value, तो rate constant की value हो गई 1.6 into 10 to the power minus 4 unit mole per liter की power 1 minus n second inverse, n की value कितनी है minus 2, यहाँ माइनस टू रखोगे माइनस टू माइनस सात प्लस हो जाएगा यानी इसकी पावर वन माइनस एन रखते हैं वन माइनस एन एन की वैल्यू माइनस टू माइनस प्लस टू और वन प्लस टू क्लियर ये मिल रहा है ये मिल रहा है हमको रेट अब इसको किया जाए शॉर्टकट से चलो शॉर्टकट्स करते हैं ए की पावर माइनस फोर और बी की पावर टू और देखते हैं शॉर्टकट से इस पूरी कहानी को ठीक है बोर्ड में आएगा तो ऐसे ही बना बना के करना दिमाग लगा के चलो अब देखो मान लो ये चीज जेई में आ गया अभी अगला क्वेश्चन जेई का कराना स्टार्ट करते हैं तो यहां से यहां देखा मैंने ए तो कांस्टेंट है
और B डबल हो रहा है और B के डबल होने पे रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ रहा है। देखो दिख रहा है कि नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ा। किसकी वजह से बढ़ा? सिर्फ और सिर्फ B की वजह से। A तो जैसा था वैसे ही बैठा है, B को डबल करने पे रिएक्शन 4 गुना, इसको डबल करने पे ये 4 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू B की पावर 2। इसको डबल किया तो ये 2 की पावर 2 यानी 4 टाइम्स बढ़ा। सो R इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। अब ऐसा ढूंढो जिसमें B कांस्टेंट हो। मिल गया, ये रहा। यहां से यहां हमने देखा B कांस्टेंट है, यानी यहां से यहां में जो भी रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ A की वजह से है। यहां से यहां में आप देख रहे हो A का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, B कांस्टेंट है और रेट 4 से 0.25 यानी 1/4 से 1/4 यानी 16 गुना कम हुआ। 16 टाइम्स डिक्रीज। अरे भाई, 4 से 1 तक आने में 4 गुना कम, 1 से 4 गाने, 4 जाने गाने नहीं, 4 जाने में, 4 जाने में कितना हो गया? 4 गुना और कम हो गया, 1 से 1/4 जाने में। पहले 4 से 1 आया, 4 गुना कम, फिर 1 से 1/4, 4 गुना और कम, है ना, 4 टाइम्स, ये 4 टाइम तो 16 गुना कम हो गया। डिवाइड करके चेक कर लो, 4 अपॉन 1/4 कितना, 16 गुना डिक्रीज कर दिया। तो भाई साहब, इसको डबल करने पे ये 16 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। पहली बात तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसको बढ़ाने पे ये घट रहा है। तो एक चीज तो ये शेयर हुई कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, इसको बढ़ाने पे वो घट रहा है। अब बात हुई कितनी पावर पे, तो इसको डबल किया तो ये 2 की पावर 4 टाइम्स डिक्रीज हुआ। इसको 2 टाइम्स किया तो ये 2 की पावर 4 टाइम्स डिक्रीज किया, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 4, 1/a की पावर 4। 1/a क्यों लिखा? क्योंकि इसको बढ़ाने पे वो घट रहा है, 16 गुना कम हो गया इसको बढ़ाने पे, और इसको 2 किया तो ये 2 की पावर 4 टाइम्स कम हुआ, तो R इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर -4। अब आप समझ गए, r is equals to k लिख दोगे, a की पावर -4, b की पावर 2, बाकी इसके बाद k की वैल्यू निकालने के लिए सेम प्रोसीजर, वहां से उठा के वैल्यूज पुट कर दो, k की वैल्यू मिल जाएगी। k की यूनिट मोल्स पर लीटर, 1 - n, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, -4 + 2 - 2 नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तैयार है जेई का सवाल लें? 2004 से स्टार्ट करते हैं, 2004 में सबसे आसान सवाल है, उसके बाद 2014 मेंस का सवाल उठाते हैं, उसके बाद 2014 एडवांस का सवाल उठाते हैं। अब आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आई है, थोड़ा अच्छा सवाल था ये, 16 टाइम्स वाला कम मिलता है ये सब। जनरली आईटी में क्या आ रहा है, दुगना करने पे दुगना हो गया, दुगना करने पे 4 गुना हो गया। एक बार ऐसा भी देख लो, इसको डबल करने पे अगर ये चेंज ही ना, इसको डबल करने पे वो चेंज, मतलब ये तो कांस्टेंट रहेगा और इसको डबल करने पे वो चेंज ही ना हो, मतलब कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही, यानी आर इज प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 0, डिपेंड ही नहीं कर रहा उसमें। बोला कि इसको 4 गुना बढ़ाया, उसमें कोई चेंज नहीं, मतलब इस पर डिपेंड नहीं। तो ये सब चीजें भी तैयार है, ठीक है, तैयार है आप? चलो 2004 का पहले एक सवाल उठाते हैं, आसान सवाल। आप देखो आईटी में कहां तक आ गए सवाल, ये 16 गुना वाले मिल नहीं रहे अभी इतने अच्छे, वो आपको देख रहे हैं कि आप इसका एप्लीकेशन समझोगे नहीं। और आजकल क्या कर रहे हैं कि मिक्सिंग कर रहे हैं कंसेप्ट की, तो अभी हम आपको दिखाएंगे। आपने इसका फर्स्ट लेक्चर देख रखा है ना, केमिकल काइनेटिक्स का, वहां से मिक्स होगा क्वेश्चन आईआईटी में। पहले तो सिंपल सवाल देखो, 2004 का पहले क्या आया हूं, आईआईटी 2004, तब मेंस और एडवांस की प्रथा नहीं थी। ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड इनिशियल रेट, इनिशियल रेट, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन दी है मोल्स पर लीटर्स में, इसकी दी है मोल्स पर लीटर में, इसकी दी है मोल्स पर लीटर, और साथ में क्या होता है सेकंड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अरे सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1, 0.2, 0.1, से ये तो आप ही वाला क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा अलग है, 0.1, 0.1, 0.2। अब बोर्ड वाले तरीके से कोई नहीं करेगा,
अभी जो बोर्ड वाले तरीके से किया आप चढ़ेगा उसको 0.1.05 उसको काला सांप आके अजनीन में डसेगा। चलो फाइंड भाई साहब फाइंड रेट ऑफ रेट इक्वेशन एंड फाइंड रेट कांस्टेंट। रेट इक्वेशन मतलब रेट लॉ, रेट इक्वेशन निकालो और रेट कांस्टेंट निकालो, ठीक है। सब्जेक्टिव सवाल फर्स्ट सेकंड। चलो जल्दी से बिना लंबा मेथड लगाए सीधा शॉर्टकट सोच के आई गिव यू 5 seconds 1 2 3 4 5 आप पॉज करके 10 seconds भी ले सकते हो। चलें चलो चलिए मितवा लगाए साइटी के सवाल को इस प्यारे प्यारे सवाल में हम खो जाएं। देखो यहां से यहां चलने पे मैंने देखा कि बी कांस्टेंट है, मैं खुश हो गया और मैंने देखा ए डबल हो रहा, वाह 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 वाह। इस ए को डबल करने के बाद मुद्दे पे मैंने देखा रेट ये क्या हुआ डबल है कि नहीं, 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 5 10 0 बन गया हासिल 1 0 यानी इसको डबल करने पे वो डबल आए। हाय कितना हलवा सवाल, यानी r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 2 गुना करने पे 2 गुना बढ़ रहा है, 2 टाइम्स करने पे 2 की पावर 1 टाइम्स बढ़ रहा है, तो हमको यहां से मिलता है r इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1 हलवा। यहां से यहां मैंने देखा 0.1 से 0.1 ये कांस्टेंट, यानी फर्स्ट से थर्ड जाने पे a कांस्टेंट है और b डबल हो रहा है, यानी फर्स्ट से थर्ड आने पे रेट ऑफ रिएक्शन में जो भी बदलाव हो रहे हैं, फर्स्ट से थर्ड आने पे रेट ऑफ रिएक्शन में जो भी बदलाव हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ b की वजह से हो रहे हैं क्योंकि a तो कांस्टेंट है। तो मैंने देखा फर्स्ट से थर्ड आने पे रेट इज सेम, ओहो 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 a तो फिक्स है, a ने तो कुछ किया नहीं जो कि अभी ने और बी ने भी कुछ नहीं कर पाया, यानी बी की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब रेट इज प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 0, अभी भी मैंने ये बात आपको सिखा दी थी ना, आगे भी मिलेगा ये रेट को डबल करने पे, अरे सॉरी बी को डबल करने पे रेट में कोई फर्क नहीं, यानी रेट बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, चाहे 0.1 हो चाहे 0.2 कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है, तो r इज प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 0। बोलो क्लियर है? अरे भैया b को डबल किया फिर भी रेट ना चेंज हुआ, मतलब b पर डिपेंड नहीं कर रहा। r is equals to k a की पावर 1 b की पावर 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1 + 0 1, पूछा नहीं है बता देते हैं। रेट इक्वेशन ये रही, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, पहले वाले वैल्यू यहां पे पूरी टिप दो, पहले वाले वैल्यू पूरी टिप दो, ये हो गई रेट इक्वेशन। रेट कांस्टेंट निकालना है, पहले वाले वैल्यू यहां पे टिप दो पूरी, क्या है पहले वाले वैल्यू अर्निंग अर्निंग बाय रेट की वैल्यू है 0.05 इज इक्वल्स टू बट बट इन के ए की वैल्यू कितनी है 0.1 की पावर 1 और बी की वैल्यू 0 ही है, बी की पावर 0 मतलब क्या है इतना है 0 मतलब 1 जो भी रखना हो रख लो 0.1 की पावर 0 ऐसे ही रख दिया मैंने। यहां से 0.05 यानी 5/100 इज इक्वल्स टू के इनटू 0.1, 0.1 मतलब 1/10, 0 से 0 कैंसिल, के की वैल्यू 0.5 यूनिट्स मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, n is order of reaction, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 0 1, तो यहाँ 1 - 1 यानी ये हो गया 0, यानी यूनिट होगी सिर्फ सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे भैया इसकी यूनिट मैंने बोल दी ना, याद कर लो मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, n की वैल्यू 1 आ रही है, n होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ 1 - 1 0 हो गया यानी सेकंड इनवर्स, ये k की वैल्यू मिल गया, सही है आ गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपसे कर लूं। मान लो मैंने लिखा है a plus 2b gives 3c plus d, मान लो ऐसा लिखा है, तो आपको याद है मैं रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रेट अगर बात करें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस dA by dt is equals to plus 1/2 dB/dt, plus नहीं ये भी minus होगा, reactant है, is equals to plus 1/3 dC/dt, is equals to plus 1/1 dD/dt, याद आया lecture number first में पढ़ाया था। अब जो IIT में सवाल आया उसमें मैं ये concept और ये concept दोनों को mix किया, देखा जाए ये 2014 में इसका सवाल है।
मिटा रहे इसको। अच्छा 2014 मेंस में इन दोनों कंसेप्ट को मिला दिया जेई ने, ठीक है। तो 2014 में इन्होंने हमें क्या सवाल दिया, चलो आईआईटी 2014 मेंस इनिशियल रेट मेथड पे सवाल, हमसे बोला कोई रिएक्शन है 2a plus b gives c plus d, दिखाई पड़ रहा है इतना डेटा बोर्ड पे, 2a plus b gives c plus d दिखाई पड़ रहा है। अच्छा कैमरे में थोड़ा तिरछा ओपन है, उसको मैं सही करता हूँ। ओए होए होए होए, ठीक है कोई नहीं, कैमरे पे हमारा बस चलता है, कंट्रोल है हमारा। 2a plus b gives c plus d, हाँ भाई फिर हमको वैल्यूज दे रहे हैं ये इनिशियल a, इनिशियल b और इनिशियल, ध्यान से देखना क्या चीज देंगे ये, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c, ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन कितना देकर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c दिया 0.1, 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.1, इन सब वैल्यू से आईटीज खेल रहा है 1.2 × 10⁻³, 1.2 × 10⁻³, 2.4 × 10⁻³, एग्जैक्टली यही लिखा है, ये दिया है मोल्स पर लीटर सेकंड्स में, ये दिया है मोल्स पर लीटर्स में, ये दिया है मोल्स पर लीटर में। सवाल क्या है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दिए हैं के के ए की पावर वन बी की पावर वन, के ए की पावर टू बी की पावर वन, सी के ए की पावर वन बी की पावर टू डी के ए, ये द इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, पॉज करके ट्राई करो, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डी सी बाई डी टी, 1, 2, 3, 4, 5। देखो पहले मैं साइड में आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करूंगा कि अगर मैं इस रिएक्शन का आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं -1/2 dA/dt इज इक्वल टू -1/1 dB/dt, ये सीखा आपने पहले लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना is equals to plus 1 by 1 dc by dt is equals to plus 1 by 1 dd by dt, oh dt लेक्चर देखते थे आप लोग, लेक्चर कार्ड बनाता था, oh dt, हां तो यहां से देखो रेट ऑफ रिएक्शन dc by dt के बराबर है, यार रेट ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है, किसी भी चीज का रेट ऑफ फॉर्मेशन इधर क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इधर क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस कह लो, रेट ऑफ फॉर्मेशन कह लो, the rate of disappearance, rate of formation of c dc by dt, rate of formation of d dd by dt, rate of disappearance of a da by dt, वहां 1 by 2 नहीं लगता, rate of disappearance of b db by dt बता दे रहे हैं, खैर यहां तो लिखा है dc by dt, तो आपको दिख रहा है dc by dt rate of reaction के बराबर है, ये जो कर रहे थे वही कर लेते हैं, यानी एक तरह से rate of reaction ही तो दिया है, लिख दिया लंबा चौड़ा इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, बच्चा सोच रहा ये तो था ही किताब में, किताब में तो रेट ऑफ रिएक्शन दिया था इनिशियल, अरे भैया रेट ऑफ रिएक्शन ही तो डीसी बाई डीटी के बराबर है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बोलो या रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, यहाँ पे दोनों सेम है, चले अब करा जाए, यानी वो रेट ऑफ वही कहानी है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, मिंग 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 है ना, यानी डीसी बाई डीटी पूछ रहा है, यार पूछ रहा है हमसे एक तरह से, मिंग 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 मिंग, अच्छा अब यहां से यहां देखो ए है कांस्टेंट और बी डबल हुआ, अच्छा और b डबल होने पे रेट में नो चेंज हुआ, रेट में सेम, रेट नो चेंज, इसका मतलब कि b को डबल करने पे रेट में कोई असर नहीं पड़ रहा, इसका मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू b की पावर 0,
बी से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ए तो फिक्स है पर बी तो बदला है, बी बदलने पे रेट नहीं बदला, यानी रेट को बी से कोई लेना देना नहीं। मैं रेट बोल रहा हूँ क्योंकि रेट के बराबर है डीसी बाई डीटी। फिर इसके बाद मैंने डेटा उठाया, पड़िंग 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 पड़िंग, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से थर्ड में मैंने देखा बी कॉन्स्टेंट और ए डबल, बी कॉन्स्टेंट और ए डबल होने पे रेट यहां से यहां में हुआ डबल, दिख रहा है 1.2 से 2.4, यानी बी से तो कुछ हुआ नहीं, जो हुआ है ए से हुआ है। ए को डबल करने पे रेट भी डबल हो रहा, यानी रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी आर इज प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 0, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1, आर इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 बी की पावर 0। और आर की वैल्यू कितनी है भैया डीसी बाय डीटी, तो डीसी बाय डीटी इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 0। ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला वाला नहीं, दूसरा वाला भी नहीं, तीसरा वाला भी नहीं, चौथा वाला हाँ, समझ गए। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, एडवांस में आया है, उसमें ये टेबल नहीं बना के दिया था, है ना, ऐसा कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था वो, हाँ हलवा, बस टेबल नहीं बनाया था। चलिए अगला सवाल जेई एडवांस 2014, एकदम ऐसे ही सवाल है, बस टेबल नहीं बनाया था, टेबल आप बना लेना, चेयर हमसे ले जाना, ठीक है, फिर पढ़ाई करना बैठ के उस पर, ठीक है, ठीक है। तो भैया जेई आईआईटी एडवांस जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2014 सवाल है फॉर, पूरे देखो भाषा में लिखा है, एम गिव्स एन द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो आपको लैंग्वेज समझ में आती होगी, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, आदिवासी तो है नहीं आपको, सिर्फ डेटा दिखता है, डिसअपीयरेंस, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एम, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एम इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8 upon doubling the concentration of M, the order of reaction with respect to M is 4 3 2 1, 0 भी होना चाहिए था, खैर दिया नहीं, 4 3 2 1, ट्राई करो पॉज करके। आखिरी सवाल जेई एडवांस 2014 का, कम से कम 10 मिनट ट्राई करो, अगर नहीं तब होता है तब सॉल्यूशन देखो, कम से कम इसको 10 मिनट्स खुद से ट्राई करें प्यारे बच्चों, कर लिया ट्राई, पॉज करके 10 मिनट्स ट्राई कर लो, हो गया होगा आसान सवाल। हाँ भाई, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एम, जरा कोपचे में आओ, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर जो है, क्या उसको हम लिख सकते हैं -1/1 dm/dt, या उसी को हम लिख सकते हैं +1/1 dm/dt, प्रोडक्ट में प्लस लगता है या फिर माइनस। भाई dm by dt क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m, व्हाट इज दिस dm by dt, दिस इज ओनली रेट ऑफ disappearance of m, यानी rate of disappearance of m rate of reaction के बराबर है। अरे minus से क्या फर्क पड़ना है, power वा देखना है ना, यानी rate of disappearance of m किस पे depend कर रहा है, किसके बराबर है, r के। तो आप rate of disappearance of m लिखो चाहे r लिखो, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ initial, समझो आराम से, concentration of m, भाई यही तो reactant है, दूसरा कोई रिएक्टेंट नहीं है। अच्छा, हो सकता है एन पे डिपेंड कर रहा हो, पर हमसे एन से पूछा ही नहीं, हम पूछ रहे कि एम से क्या कहानी है, तो हमें एन से मतलब नहीं है। और यहां हम लिख लेते हैं क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एम, और आप जानते हो कि ये डीएम बाई डीटी जो है यही किसके बराबर है, आर के। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नेगेटिव नहीं होता है, डीएम बाई डीटी का मॉड ले लेते हैं, rate of disappearance, rate of appearance, ये चीजें हमेशा पॉजिटिव होती है, मॉड ले लेते हैं इसमें,
पहले लेक्चर में सिखाया। खैर एनीवेज dm / dt समझ लो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस r के बराबर है, तो एक तरह से फिर से ये भी रेट ऑफ रिएक्शन ही दे रखा है कोई तरह से। अब डेटा जो लिखा हुआ है उसी को यहां पे छाप दो आदिवासी की तरह, आ वा 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 बना देते इसको, आ वा वा वा। क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ m। अच्छा चलो m की इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो 0.1 है और डबल करके 0.2 हो गए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8, तो मान लो शुरुआत में ये 1 × 10⁻³ था तो बाद में 8 × 10⁻³ हो गया। अरे कुछ मान लो मैंने देखती है ऐसे यही सब डेटा दिखा रहा था तो इसी में अज्यूम किया कि इसको डबल करने पे इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ m। अब जिसको नहीं माने ऐसे ये सब ऐसे मत इतने से यही सवाल ही कर रहे थे, इसको x मान लो ये 2x हो गया, ये y से 8y हो गया। अब सही वेरिएबल्स में खेल लो, अब कोई दिक्कत है, x से इसको डबल किया तो ये 8 गुना बढ़ गया। ऐसे सिंपल ले लो, से प्रोपोर्शनलिटी का खेल है, इसको 1 से 2 किया तो ये 1 से 8 हो गया, खत्म। अब यहां से देखो जब इसको आप डबल कर रहे हो तो ये 8 टाइम्स बढ़ रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ये है, और इसको 2 गुना बढ़ाने पे ये 2 की पावर 3 टाइम्स बढ़ता है, इसको डबल करने पे ये 2 की पावर 3 टाइम्स, यानी r इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर 3 हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू m इज 3, यही तो होगा ना, r इज इक्वल्स लिखोगे k m की पावर 3, और मुझे नहीं पता हो सकता हो n की पावर y पे डिपेंड कर रहा हो, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। कई लोग आ गए सेने इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा नहीं है, मैंने पिछले लेक्चर में रेट लॉ वाले लेक्चर में बहुत क्लियरली बताया है कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे भी कई बार रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता, तो हो सकता है n पे डिपेंड कर रहा हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आप साफ-साफ देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू m कितना है 3, ये तो पूछा अपना काम बन गया क्लियर। तो यहां पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त, रेट लॉ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन तो अभी मिलते रहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है, क्योंकि अगला लेक्चर आने वाला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पूरी काइनेटिक्स पढ़ोगे आप कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे होता है, उसमें क्या इक्वेशन लगती है, उसकी हाफ लाइफ क्या होती है, उसके क्वेश्चन कैसे करने हैं, उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, मतलब इन डिटेल जीरो ऑर्डर, फिर इन डिटेल फर्स्ट ऑर्डर, फिर इन डिटेल सेकंड, फिर थर्ड, नहीं सिर्फ जीरो और फर्स्ट डिटेल में पढ़ना है, वही अपने सिलेबस में, बाकी उसके बाद एक पैटर्न मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा, फिर वो सारे रिएक्शंस में आप अप्लाई कर सकते हो। सवाल ज्यादातर आते हैं फर्स्ट ऑर्डर से और कुछ सवाल जीरो ऑर्डर से आए हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर के सवाल भी ले आएंगे, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।